हम सेक्टर स्पेसिफिक और व्यू आपसे जानना चाहें, आपके पसंदीदा सेक्टर तो आप बात कर रहे थे, ऑटो एक बहुत ही फेवरेट सेक्टर भी रहा है, लेकिन अब ऑटो पे किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए? क्या जिस तरह के नॉन मेट्रो सिटी से, सेमी अर्बन से, रूरल एरिया से कंजम्पशन और डिमांड ट्रेंड्स रहे हैं, देख कर लग रहा है कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है जो रहेगा, और आप ये सभी स्पेसिस में देखें, आप टू व्हीलर में देखें तो आयशर मोटर की डिमांड जिस तरह की है, उनके रिकॉर्ड नंबर्स रहते हैं, आगे जाके जनवरी में भी अपने रिकॉर्ड सेल्स प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर भी एक व्यू रखना पड़ेगा कि कौन हर सेगमेंट में, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल हो, इनमें भी आपको कौन से स्पेसेस हैं, कौन से वो स्पेसेस हैं जहाँ प्रीमियमाइजेशन का ट्रिगर बड़ा होगा, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी एज कम्पेयर टू द एरियाज जो सेमी अर्बन को या रूरल एरियाज को कैटर करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक बोला है, सिलेक्टिव होने की जरूरत है। जैसा मैंने बोला, आप ओईएम्स में सबसे ज्यादा प्रीमियमाइजेशन हमें एमएनएम में देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने बोला, 260,000 यूनिट्स का ऑर्डर बैकलॉग है, जिसमें से 1,00,000 अभी स्कॉर्पियो एन ने ऐड किया है। 5 सक्सेसफुल एसयूवी लॉन्चेस किए उन्होंने, और अभी ईवी लॉन्च है अगले साल जनवरी में। कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी उनकी बेहतर हुई है। ट्रैक्टर सेगमेंट में उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया, जबकि फर्स्ट हाफ ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लगभग 42% मार्केट शेयर है। फार्म इक्विपमेंट की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, और उन्होंने अपने नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस को एग्जिट भी किया है। एलसीवी में भी, कमर्शियल व्हीकल्स में काफी अच्छा कर रहे हैं, तो ओवरऑल सारे सेगमेंट उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। और वैल्यूएशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो अभी भी रीजनेबल है, थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है अराउंड 1400 जाने के बाद। हमें कंटेंट पर कार, जिसे आप प्रीमियमाइजेशन कहते हैं, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेटा में पिछले 6-7 साल से 2,000 रुपए का उनका किट वैल्यू पर कार होता था, वो 40-50,000 रुपए किट वैल्यू पर कार की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर कार। आज वो अलॉय व्हील्स, कार सीट्स, एयरबैग्स अगले साल से 6 हो जाएंगे, अभी 2 लगते हैं छोटी कारों में, तो एक एयरबैग लगभग 5,000 रुपए का आता है, तो 20,000 रुपए से आप देखिए किट वैल्यू सिर्फ वहां बढ़ने वाली है। तो ये प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड हमें बहुत एंसिलरीज को भी बेनिफिट करेगा। मुझे लगता है कि कुछ जगह हम आपको अशोर क्लेन जैसी कंपनी, मुझे लगता है कि ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। मैं टू व्हीलर स्पेस पे अभी भी थोड़ा सा एक क्वार्टर देखना चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि रूरल डिमांड थोड़ी सी पिकअप होती है, हालांकि टीवीएस ने बहुत अच्छा किया है टू व्हीलर्स में, उन्होंने भी अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक में, एक्सपोर्ट सेगमेंट में, प्रीमियमाइजेशन में, उनका जो IQ मॉडल है इलेक्ट्रिक में बहुत अच्छा कर रहा है, डेट कम हुआ है, तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, रादर देन बोलना कि मैं सिर्फ सीवी लूंगा या पर्सनल व्हीकल लूंगा। तो बास्केट अप्रोच रखिए, और जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जैसे KPIT है, 100% सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है ऑटोमोबाइल को, हमने देखा है कि उन बहुत अच्छा किया उन्होंने। आज उनको रेनॉल्ट से ऑर्डर मिला है, जो कि काफी बड़ा प्रोग्राम है उनका, क्योंकि ये मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखिए, सॉफ्टवेयर कॉस्ट गाड़ी में 2015 में 10% होती थी, आज करीबन 28% है, 2025 में सॉफ्टवेयर का कॉस्ट लगभग 50-55% होगा, तो ये क्लियर ट्रेंड है जो आप कैप्चर कर सकते हैं।